नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की दो हाई वोल्टेज हाई प्रोफाइल लोकसभा की सीटों पर आज प्रचार जो था वो ख़त्म हो गया है। आजमगढ़ और रामपुर की वो सीट जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है, इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। 23 जून को वोटिंग होगी, 26 तारीख को नतीजे आएंगे और ये पता चल जाएगा कि आखिर इस बार इन सीटों पर किसने जीत हासिल की है। सबसे अहम बात यह है कि इन सीटों पर जिस तरह से बताया जाता रहा है कि एक सीट रामपुर वाली, वहां आजम खान का दबदबा रहा है, लेकिन आजम खान के अलावा वहां पर दूसरे राजनीतिक दलों का भी दबदबा रहा है, वो भी जीतते हुए वहां से आए हैं। और दूसरी सीट आजमगढ़ की, जिसे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती आई है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच काफ़ी अहम टक्कर है। आजमगढ़ की जो सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी बीजेपी, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बसपा ने भी वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स के साथ उतर के ये बता दिया है कि हम इस लड़ाई में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अहम चीज़ ये है कि इन दोनों ही सीटों पर जिस तरह से बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, और ये बताया जा रहा था कि इन दोनों ही सीटों से और इनके नतीजों से ये पता चल जाएगा कि 2024 के बयार किसकी तरफ चल रही है, तो आप बिल्कुल भी इस बात से इत्तेफाक मत रखिएगा। क्योंकि इसके पहले भी जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे लोकसभा की सीटों पर, तो समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन 2 साल बाद जब फिर से वहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए तो वहाँ से समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो यहाँ से ये जो नतीजे हैं ये बताते ज़रूर हैं कि उलट फेर है, जनता के मन में मूड, ये जनता का जो मूड है वो थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाता है, लेकिन 2 साल का जो समय है वो काफ़ी लंबा होता है। और अभी अगर हम देखें तो अभी भी 2024 का जो चुनाव होना है उसको होने में अभी भी 1.5 से 2 साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में ये जो लोकसभा के उपचुनाव इन दोनों सीटों पर हो रहे हैं ये काफ़ी अहम है। आजमगढ़ की सीट, वो सीट जहां से अखिलेश यादव सांसद थे, उन्होंने विधायकी चुनी, सांसदी छोड़ी, और उसके बाद उस सीट को खाली करने के बाद वहां से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया। उनके खिलाफ दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी सुपरस्टार, जो 19 में भी प्रत्याशी थे, इस बार भी प्रत्याशी हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आपने परिवार को कई बार मौका दिया, लेकिन इस बार मुझे मौका दीजिए, 2 साल में काम नहीं करूँगा तो 24 में मत जिताइएगा। टक्कर अहम है। और इसके बीच में अगर हम देखें तो शाह गुड्डू जमाली, जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं, बताया जा रहा है कि वो भी उस लोकसभा में काफ़ी मजबूती से उठते हैं, बैठते नजर आते हैं, जनता के बीच मौजूद रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। और ऐसे में ये भी समझ आ रहा है, ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पर अगर मुस्लिम वोटों को शाह गुड्डू जमाली ने काट लिया तो समाजवादी पार्टी की समस्याएँ जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी के कई सारे जो फायर ब्रांड मंत्री नेता हैं वो इन दोनों ही सीटों पर अपनी पकड़ जो है बनाने के लिए बीते दिनों से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं, रोड शो से लेकर के जनसभाएं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे थे, अभी आजमगढ़ भी उनका एक दौरा लगा हुआ था जहाँ पर उन्होंने दिनेश लाल यादव के लिए वोट मांगा था। तो इन दोनों ही सीटों पर जो राजनीतिक रस्साकशी है, जो राजनीतिक लड़ाई है, ये काफ़ी अहम और दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि इस सीट के नतीजे ये बता देंगे कि आखिर कोई भी राजनीतिक दल ये ना सोचे कि वो सीट उसकी गढ़ या फिर वो गढ़ उसकी सीट में गिनी जाए। रामपुर की सीटों की अगर बात करी जाए तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें से 5 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इस सीट पर अगर हम देखें तो आजम खान सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी सांसद रह चुकी हैं, उनके बेटे अभी विधायक हैं। तो इस सीट पर बताया जाता है कि आजम खान का दबदबा काफ़ी अहम है, और इस सीट के जो समीकरण है वो आजम खान के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रहते हैं। लेकिन क्या इस बार भी कुछ इसी तरह से होने वाला है? समाजवादी पार्टी क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराती हुई नजर आएगी, या फिर बीजेपी जिस तरह से बातें कह रही है कि हम इस बार सारे समीकरणों को तोड़कर जीत हासिल करेंगे, कुछ ऐसा होगा? कुछ उसी तरह से आजमगढ़ की सीट भी है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कई लोगों की इज्जत बचाने वाली ये आजमगढ़ की लोकसभा सीट अपने में काफ़ी अहम है। 5 विधानसभा सीटें इसके अंडर में आती हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन लोकसभा की अगर बात करी जाए तो क्या लोकसभा के वो ही मुद्दे रहेंगे जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान थे? जनता का मूड बदल तो नहीं गया? अगर बदल गया तो इसका पूरा का पूरा जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो इन सीटों पर प्रचार प्रसार की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही सीटों पर पहुंचकर प्रचार प्रसार कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन दोनों ही सीटों से नदारद रहे हैं। सवाल ये बहुत अहम और बहुत बड़ा है कि आखिर अखिलेश यादव क्यों इन दोनों ही सीटों पर प्रचार प्रसार करने नहीं गए, धर्मेंद्र यादव जो उनके भाई हैं उनके लिए वोट मांगने नहीं गए, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल रामपुर के उनके प्रत्याशी क्यों उस सीट पर भी वो वोट मांगने नहीं गए। ये सारे जो सवाल हैं वो अभी भी खड़े हैं। ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में है, क्या अखिलेश यादव ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि वो सीट हमारी गढ़ है और उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन राजनीति में कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस ये होना सही नहीं होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं तो वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप हार जाएंगे या आपको नुकसान हो जाएगा, इसकी सीख हमें राजनीति से ही मिलती आई है और इतिहास इसके गवाह भी है। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब जब प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद अब तक इन दोनों ही सीटों पर क्या माहौल रहा है, क्या लग रहा है, कौन ज्यादा मजबूत है और क्यों अखिलेश यादव ने इस प्रचार प्रसार से खुद को दूर रखा, इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद में इस डिबेट को शुरू करते हैं। लखनऊ आने की भी आवश्यकता नहीं, मिलक के लिए राजबाला जी हैं, बिलासपुर के लिए बलदेव सिंह ओलख जी हैं और बाकी ये मेरे पास भेजते रहे, यहाँ के जिला पदाधिकारी हमारे पास भेजते रहे, हम लोग वो सभी विकास के कार्य यहाँ के लिए देंगे जिन विकास कार्यों की आवश्यकता इस रामपुर जनपद के लिए होगी। रामपुर को माफियाओं को रौंदने के लिए नहीं छोड़ेंगे, रामपुर को अराजकता का अड्डा नहीं बनने देंगे, रामपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। घनश्याम सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जाएंगे सब लोग। अरे हजारों मुकदमे हैं, कई सौ जिंदगियां चाहिए मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन जिगर बाकी है, देखते हैं तीर चलाने वाले कितने इस्तेकलाल से और पूरी ताकत से 23 तारीख का मुकाबला करना है। करोगे मुकाबला? वो कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा अपनी, विधान परिषद का खैरात और भीख में नंबर बढ़ाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। बयान सुना, आजम खान कल जब जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के काफी कुछ बोल दिया था और आज रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, आजमगढ़ भी वो गए थे। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब यही बताते हैं कि आजम खान को आगे लगकर और आजम खान के मुकदमों के बारे में जिक्र करके ये बताने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आजम खान के साथ गलत हुआ। आजम खान भी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर जो मुकदमे लादे गए हैं, मेरे साथ जो भी चीजें हुई हैं वो पूरी की पूरी गलत हैं और जनता इसका जवाब देगी। लेकिन क्या ये काफी है? आजम खान सिंपथी वोट बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या सिंपथी वोट समाजवादी पार्टी के लिए काफी होगा? 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बसपा का साथ था समाजवादी पार्टी के साथ और इसी वजह से आजमगढ़ की जो वोटों की संख्या थी वो समाजवादी पार्टी के खेमे में ज़्यादा संख्याओं में बीजेपी के मुकाबले आई थी। लेकिन इस बार बसपा ने भी अपना कैंडिडेट आजमगढ़ की सीट से उतारा है और बताया जा रहा है कि शाह गुड्डू जमाली भी जो हैं वो अपने में अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता हैं और वो पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि इस राजनीति में, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुँचाया जाए मुस्लिम वोट काट करके। लेकिन जो बयानबाजियां चल रही हैं उन बयानबाजियों से ये साफ तौर पर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों सीटों पर जो लड़ाई है वो काफ़ी अहम और दिलचस्प है और लड़ाई इतनी अहम और इतनी दिलचस्प है कि इन सीटों से ही ये फैसला होगा कि अब 24 में क्या होने वाला है। त्रिकोणीय मामला आजमगढ़ की सीट पर और रामपुर की सीट पर टू विंडो फाइट, जहाँ पर सपा और बसपा और आजमगढ़ में सपा बसपा और बीजेपी की जो लड़ाई है वो अपने में काफ़ी कुछ बता रही है कि हाँ उत्तर प्रदेश में जो 24 के चुनाव की तैयारियां हैं वो लगभग शुरू हो चुकी हैं और इस
सीट के नतीजे जब आएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आखिर कौन कितना मजबूत है। आजमगढ़ में करीब 40% मुस्लिम वोटर है और ये मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं ये बताएगा कि आने वाले दिनों में वो किसकी तरफ जाएगा। और कुछ इसी तरह से रामपुर का भी हाल है, रामपुर में भी जो मुस्लिम वोटर की संख्या है वो काफ़ी बड़ी है और ऐसे में वो मुस्लिम वोटर क्या आजम खान के सिंपथी वोट में बदलेंगे, तब्दील होंगे, ये भी देखना अहम है क्योंकि दोनों ही सीटों पर आजम खान ने प्रचार प्रसार किया है। आजम खान को लेकर के काफ़ी बातें कही जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं से काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दोनों ही सीटों पर जाकर के प्रचार प्रसार किया और ये बताने की कोशिश की कि हम एक हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे पर जो मुकदमे लादे गए वो काफ़ी गलत थे और उनका अब जवाब देने का जो समय है वो आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगातार कोशिश जारी है कि इन दोनों सीटों पर जो नतीजे हैं उनमें फेरबदल करके इस बार इन दोनों सीटों को जीता जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साख का सवाल है कि इन सीटों पर कौन जीतेगा या कौन ज़्यादा अहम टक्कर देते हुए नजर आएगा। टक्कर की बात अगर करी जाए तो दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को काफ़ी अहम टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जीत यहाँ पर अहम है, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब रामपुर गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अखिलेश यादव दोनों ही सीटों पर नहीं आए। उन्होंने कहा कि रामपुर जो अपने चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है वो चाकू अब जनता सही हाथों में दे दे तो तभी बेहतर होगा। अगर वो चाकू जनता सही हाथों में दे देगी तो इससे ये साफ साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों पर विकास की एक नई गंगा, एक नई बयार बहेगी। और जब आजमगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात को कहा था कि पूर्व की सरकारों ने आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना रखा है, आतंकवाद का अड्डा पूर्व की सरकारों ने बनाया है, हमारे प्रत्याशी को जिताइए, ये विकास नहीं भी करते हैं तो हम विकास करेंगे, ये एक भोजपुरी सुपरस्टार रह चुके हैं तो यहाँ के युवाओं को भी मौका मिलेगा कि वो आने वाले दिनों में पिक्चरों में फिल्मों में काम करें और उसके लिए दिनेश लाल यादव प्रोत्साहित करेंगे उनको, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी फिल्म जो सिटी है उसे बसाने में लगे हुए हैं। तो इस तरह के जो बयान हैं विकास से जुड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हुए जो बयान हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। फिलहाल अब इन दोनों ही सीटों पर जो प्रचार प्रसार है वो आज थम गया है, 23 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और अब ये पता चल जाएगा कि आखिर दोनों में कौन 21 है। अखिलेश यादव दोनों ही सीटों से नदारद रहे, प्रचार प्रसार करने नहीं गए। शिवपाल सिंह यादव ने भी ये बात बताने की कोशिश की है कहीं ना कहीं कि मुझे बुलाया ही नहीं गया तो मैं प्रचार प्रसार करने कैसे जाता, मुझसे कहा ही नहीं गया तो मैं कैसे प्रचार प्रसार करने जाता। तो शिवपाल सिंह यादव की अपनी अलग नाराज़गी है। इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं शिवपाल से जुड़े हुए लोग भी होंगे, उनके भी अपने वोटर होंगे जो कहीं ना कहीं इस कदम से काफ़ी नाराज़ होंगे कि आखिर शिवपाल सिंह यादव को तवज्जो क्यों नहीं दी गई इस चुनाव में भी। तो सिर्फ आजम खान के बलबूते क्या इन दोनों सीटों का जो उपचुनाव है वो जीता जा सकता है, ये देखना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि धर्मेंद्र यादव की तरफ से आज भी रोड शो किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जो मौजूदा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से खड़ा है उसे जनता नकार रही है। 19 में भी उसे नकारा गया था, इस बार भी नकार रही है। लेकिन दिनेश लाल यादव की अगर बात करी जाए तो जब से इन चुनावों का ऐलान हुआ तब से वो लगातार जनता के बीच जा रहे थे, मिल रहे थे और वो इस बात को भी कहते हुए नज़र आ रहे थे कि मैं यहाँ का लोकल हूँ और मुझसे लड़ाई लड़ने के लिए बाहर का प्रत्याशी आया है। तो ये सारे जो पहलू हैं इस चुनाव को और भी रोमांचक बनाते जा रहे हैं। नतीजे क्या होंगे ये 26 तारीख को पता चलेगा, लेकिन लड़ाई काफ़ी अहम है और इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये भी देखना काफ़ी अहम है। फिलहाल इन दोनों ही सीटों पर अगर हम देखें तो जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दिए हैं बीते चुनाव में, चाहे रामपुर की बात करी जाए या आजमगढ़ की बात करी जाए। लेकिन इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बदलाव इस बार के चुनाव में, काफ़ी कुछ जो टफ फाइट है वो देखने को मिल रही है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं, रविंद्र सिंह पटेल हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में सत्यजीत अतवार हमारे साथ प्रसपा से भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों को आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। शाही साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, प्रचार प्रसार थम गया है शाही साहब, बीजेपी की जीत कितनी सुनिश्चित है
और आखिर अखिलेश यादव इस सीट पर या इन दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार तक करने नहीं गए, क्या उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हम इन दोनों सीटों को जीत चुके हैं, या वो ये बात जान रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर ज्यादा मजबूत है, यहाँ पर करने से कोई फायदा नहीं? नितिन जी देखिए, यहीं से जो है आपने बहुत ही मौजूद सवाल किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेताओं में एक हैं और आजमगढ़ से वो सांसद रहे इसके पहले चुनाव में। जनता ने उनको मात्र 63,000 वोट से जिताया। उसके बाद अखिलेश जी आते हैं वहां चुनाव लड़ने और जनता ने इनको 2.5 लाख वोट से जिताया। मार्जिन बढ़ाकर विश्वास किया कि एक युवा चेहरे हैं और आने वाले दिनों में एक बेहतर विकल्प बनकर हम लोगों के क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, कुछ रहेंगे। लेकिन उसका सिला क्या दिया, पूरे 5 साल के दौरान माननीय अखिलेश जी जितने दिन उनका कार्यकाल रहा उसमें 36 घंटे वहां पर वो गए हैं और 24 घंटे गए थे जब चुनाव जीते थे तो आभार व्यक्त करने, और 5-7 घंटे गए थे वो किसी नेता की मृत्यु हो गई थी उसमें उनको सांत्वना उनके परिवार। इसके अलावा वो आजमगढ़ नहीं गए। उसी के उलट निरहुआ जी जब चुनाव हारे उसी दिन से लगातार दूसरे दिन से वो क्षेत्र में जमे हुए। तो आजमगढ़ की जनता ने ये आज अपना महसूस कर रही है कि हमको जिताने के बाद हमने इतना ज्यादा भरोसा दिया कि नेताजी से भी ज्यादा वोटों से जिताया इनको, और उसके बाद ये हमारे यहां नहीं आए और जब मौका मिला तो इस्तीफा देकर वापस चले गए। ये फैक्टर वहां के लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है कि ये लोग हमारे लिए नहीं। ठीक है। दूसरी बात, अखिलेश जी ये चाहते हैं कि एक तीर से कई निशाने किए जाए। धर्मेंद्र जी को वहां भेज दिया, किसी को चुनाव प्रचार में अभी 22 के चुनाव में लगाया नहीं उन लोगों ने, तो परिवार का भी दबाव था, शिवपाल चाचा नाराज थे। धर्मेंद्र जी को टिकट देने के बाद उनको वहां पर राजनीतिक रूप से शहीद करने का भी कार्यक्रम उनका है कि ये चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे। जी ऐसा भी है, ये भी है। देखिए चुनाव प्रचार करने, आप ये बताइए कि एक नेता जिनके बदौलत 2022 का पूरा चुनाव चला हो वो आज एक उपचुनाव में कहीं वो चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, एक सभा नहीं हो रही है। लेकिन सपा के कुछ नेता कह रहे हैं, शाही साहब, सपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अखिलेश अगर वहां नहीं गए तो उनके दिमाग में कुछ एक नई प्लानिंग चल रही है। भाई सपा के लोग कहेंगे क्यों नहीं कहें, नई प्लानिंग यही तो मैं बता रहा हूँ, नई प्लानिंग यही है कि निपटाओ इनको जल्दी से। अच्छा। ऐसे ये एक हमारे विकल्प भी होकर उभर सकते हैं। अच्छा। वही वो उनके अंदर एक डरपोक राजनीतिज्ञ है अखिलेश जी। मैं बार बार कहता हूँ अखिलेश जी बहुत हिम्मत वाले राजनीतिज्ञ नहीं है, उनको हर चीज से हवा के रुख से डर लगता है, परिवार वालों से भी कभी कभी अब लगने लगा है। जैसे 2022 के चुनाव में देखिए चाचा को उन्होंने कहीं यूज नहीं किया, प्रसपा का मतलब शिवपाल सिंह यादव, उनके भी वोट पूरे प्रदेश में है, उनको भी नहीं भेजा। तीसरी बात जो सबसे मजबूत है, ये यादव और मुस्लिम वोट बैंक इनका हुआ करता था। आज जो है यादव जो प्रबुद्ध लोग जो जितने थे उन्होंने इनके साथ रहकर देख लिया 2022 में, ये कुछ नहीं कर पाए, अब वहां से मोह भंग हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट पहले हुआ करता था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। मुस्लिम जो वोट है वो गुट्टू जमाली देखिए कितना बढ़िया अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं वो विधायक भी तो रहे हैं वहां और गुट्टू जमाली भी लड़ रहे हैं बढ़िया। तो इनका तो वोट बैंक कटा है, भारतीय जनता पार्टी का निरहुआ जी भी यादव हैं जो वोट बैंक इधर से इनका कटा। भारतीय जनता पार्टी का जो 3.5 लाख वोट निरहुआ जी पाए थे चुनाव हारने के बाद भी, वो 3.5 लाख वोट से अपना कारवा वो आगे बढ़ा रहे हैं और आज आजमगढ़ में बहुत ही शानदार स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। ठीक सर मैं आता हूँ। मिसम जदिया मसा सपस हैं। मिसम भाई, शाही साहब कह रहे हैं कि आप लोग किसी की राजनीतिक हत्या करने में लगे हुए इसीलिए अखिलेश यादव गए नहीं दोनों ही सीटों पर। नहीं नितिन जी ऐसा नहीं है, शाही जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बड़ा आदर सम्मान करता हूँ, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। देखिए ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम है कि जनता का मूड क्या है और जनता भी समझती है कि इसके हाथों में रामपुर का और आजमगढ़ का विकास है और जो अंकित तैयारी नितिन जी कर रखता है इम्तिहान की, वो इम्तिहान से नहीं घबराता है। अच्छा। और जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के कहते हैं कि जिता दीजिए तो आजमगढ़ और रामपुर में ऊर्जा आ जाएगी, ऐसे वोट मांग रहे हैं जैसे ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ही नहीं। तो ये जब चुनाव जीत जाएंगे वहां से तभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होगा। अरे आप उत्तर प्रदेश के, अरे वो ठीक था लेकिन आधा घंटा तो निकाल लेना चाहिए था। नहीं, आधा घंटा और एक घंटे की बात नहीं है, हमारे नहीं, शाही साहब कह रहे थे कि जब से जीते हैं तब से खाली 36 घंटे के लिए गए थे वो आजमगढ़ अखिलेश यादव। ऐसा है वहाँ की जनता को काम प्यारा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ कार्य किए हैं, वहाँ काम किया, जनता में लोकप्रिय है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि वो ऊर्जा और किसी चीज में लगा करके राष्ट्र में लगाना चाहते हैं और अच्छा काम और करना चाहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं 24 घंटा 21 घंटा कार्य करते हैं। तो हो सकता हो कि उन्होंने उस चुनाव को महत्व न दे करके देश के प्रदेश की जनता को और देश को ज्यादा समय देना जरूरी समझा हो। तो ये कह देना कि कोई आदमी चुनाव प्रचार करने नहीं आया तो वो आदमी जो है वो कोई ना कोई किसी में कोई कमी। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि दोनों सीटों पर हम मजबूत हैं और जीत जाएंगे? जीत जाएंगे नहीं, हमारी वो सीट ही है। अच्छा, वो तो हमारी सीट ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला ना हो जाए मिसम भाई इस बार। ओवर कॉन्फिडेंस तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं जो अच्छा, आपके साथ में जिनको चुनाव लड़ाया है जो कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि विधि के विधान को बदल दूंगा, लिपिक पर पैर धर दूंगा, वो करते हैं ओवर। अच्छा, ये उनकी देखने को मिल जाएगा। ठीक मिसम भाई, सत्यजीत जी है प्रसपा से, मुझसे पूछ रहे हैं कि आपसे पूछा जाए कि इस बार शिवपाल जी को क्यों नहीं बुलाया प्रचार के लिए। देखिए, ये हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का मामला नहीं है, इसके लिए तो आप बड़ा पैनल बनाइए या हमारे चीफ स्तर से बातचीत करिए। शिवपाल जी भी बड़े नेता हैं हमारे, और वो आए नहीं आए क्या है इसका ज्ञान तो हमारे राज्य अध्यक्ष जी दे सकते हैं और शीर्ष नेता दे सकता है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इस पर कोई ठीक मैं आता हूँ। सत्यजीत अतवारा हमारे साथ प्रसपा से। सज्जी जी, ये मिसम भाई से मैंने पूछा कि क्यों नहीं शिवपाल जी को बुलाया गया, तो कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व बताएगा। फिलहाल ये बताइए कि क्या लग रहा है इन दोनों सीटों पर, कौन मजबूत है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए नितिन जी, स्पष्ट कर दूं जी कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है जी कि विपक्ष उसका लाभ नहीं ले पाता है, विपक्ष नेतृत्वहीन है। जिस व्यक्ति के पास, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं टारगेट करके ही कहूंगा सीधे सीधे, अगर उनके अंदर नेतृत्व क्षमता होती है तो उपचुनाव की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी या विपक्ष की झोली में चली जाती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जहां इनको साधना चाहिए वहां साध नहीं पाते हैं, जहां सबको इकट्ठा करना चाहिए वहां इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, जहां रणनीति बनानी चाहिए वहां रणनीति नहीं बना पाते, खुद भी नहीं जाते, रणनीति के अभाव में और जल्दबाजी के चलते, जैसे पहले प्रत्याशी उन्होंने एससी घोषित किया, बाद में प्रत्याशी उन्होंने बदल दिया, एससी नाराज हो गया, भाई हमारे प्रत्याशी को घोषित करने की जरूरत क्या थी जब आपको टिकट नहीं देना था? उसके बाद फिर से जो है नाराजगी को खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया। तो पहले गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद उसे गड्ढे को पाटते हैं, तो आप बताइए कि गड्ढा खोदने गड्ढा पाटने में इनका समय सब निकल जाता है, तो परिणाम कैसे आएगा, रिस्पांस कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इनको पहले से ही रणनीति बना के चलना चाहिए, सोच समझ के अगर कोई रणनीति बनाई जाती है तो उसका रिस्पांस मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। लेकिन अगर बगैर सोचे समझे कोई रणनीति बनाएंगे और नहीं करेंगे, रणनीति ही नहीं बनाएंगे, तो मेरा अपना मानना है उसका परिणाम नहीं। लेकिन ये तो कॉन्फिडेंस में है, ये तो पूरे कॉन्फिडेंस में कि हम तो जीते हुए हैं, वो हमारा गढ़ है, हमारी सीट है। मिसम भाई भी यही बात कह रहे थे अभी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया, नहीं पूछा गया। यही हाल तो चुनाव में भी था, तो उपचुनाव है, जब मेन स्ट्रीम में था मामला, तो उस समय भी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को दूसरे और तीसरे चरण में, दो चुनाव जब खत्म हो गया तो तीसरे चरण में जो हमको स्टार प्रचारक बनाया गया, और स्टार प्रचारक ही नहीं बनाया गया, तीसरे चरण के बाद जब स्टार प्रचारक बनाया गया तो उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में चुनाव प्रचार के लिए उनको नहीं ले जाया गया। आप एक चीज बताइए, क्या उनके अनुभवों का लाभ नहीं लेना चाहिए था? क्या वरिष्ठ लोग जो वरिष्ठ समाजवादी थे उनके अनुभवों का लाभ ले लेते तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती? हम कहते हैं 10-20 वोट ही बढ़ते बढ़ते तो वोट परसेंटेज बढ़ता, जीत हार का परिणाम बदलता। हो सकता है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने इस बात को कहा भी कि हम सरकार में होते लेकिन नहीं लाभ ले पाए। तो दिक्कत इस बात की है कि आपको युगो छोड़ना होगा,
आपको सब समावेशी समाज की रचना करने के लिए स्वयं को सब समावेशी बनाना पड़ेगा पहले जी, ठीक। अगर आप सब समावेशी नहीं बनेंगे, सबको लेकर के नहीं चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें खड़ी होंगी और चुनाव आपको लगेगा कि मैं जीत रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पराजय का भी देखना पड़ जाए। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। रविंद्र सिंह पटेल हमारे साथ अरेली से। रविंद्र भाई, जयंत चौधरी गए थे, अखिलेश यादव नहीं गए, पहला सवाल तो ये है क्यों नहीं गए? क्या आप लोग बात नहीं करते हैं? आप लोग को नहीं कहना चाहिए कि भैया यहाँ पर चले जाओ, शायद कुछ चीजें बेहतर हो जाए? हालांकि आप लोग कह रहे हो कि हमारा गढ़ है, हम लोग जीत जाएंगे, लड़ाई अहम है कि नहीं है? बिल्कुल, प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक चुनाव को वैसे ही समझना चाहिए जैसे मेन स्ट्रीम के चुनाव होते हैं, चाहे मध्यावधि चुनाव ही क्यों ना हो। दूसरी एक बात है कि वर्तमान समय में भी और इससे पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन रहा है। उसी क्रम में आदरणीय जयंत चौधरी जी आजमगढ़ गए, प्रचार किया, और उतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक 20 व्यक्तियों को स्टार प्रचारक बना करके काम का बंटवारा कर रखा है। कुछ लोगों को उन्होंने रामपुर में लगा रखा है और जिनकी उपयोगिता आजमगढ़ में है वहाँ लगा रखा है। मैं समझता हूँ कि ये वरिष्ठ नेताओं की अपनी एक स्ट्रेटजी है, और जहाँ तक मैं आपके पूरे संवाद को सुन रहा था, मेरा वो विषय नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे, लेकिन फिर भी गठबंधन के साझेदार होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कोई नए नेता नहीं है, तपे तपाए अनुभव है। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद उनके साथ है। सत्यजीत जी हंस रहे हैं आपकी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। देखिए, हंसना मुस्कुराना ये तो मानव का स्वभाव है, लेकिन सुनना चाहिए हमें, हमें परिणाम से भी कुछ सीखना चाहिए। हमें जैसा कि अभी जयदीप भाई कह रहे थे कि योगी जी गए तो बोले कि मैं ये कर दूंगा, विकास की गंगा बह जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। अरे भाई, 75 जिले का मुख्यमंत्री है, 75 जिले में वो भी 2 जिले आते हैं, है ना? तो किस बात का इंतजार था कि उपचुनाव जीत जाएंगे तब विकास की गंगा बहाएंगे, है ना? तो कहने का सेंस इस बात से है कि देखिए, ये एक रणनीति है और रणनीति के तहत अब आज तो चुनाव प्रचार थम गया। तो शाही साहब कह तो रहे हैं कि रणनीति यही है कि धर्मेंद्र यादव का करियर जो है। शाही साहब को 26 तारीख को मैं मिठाई खिलाऊंगा मिलकर के, ठीक है? अगर मैं लखनऊ में रहा तो मैं मिलकर के उन्हें मिठाई खिलाऊंगा, क्योंकि शाही साहब अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए, आजमगढ़ लखनऊ बहुत दूर नहीं है, और आज का जो आज के तकनीकी इस समय जो युग चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति वीडियो कॉल पे है, व्हाट्सएप कॉल पे है, लाइव है। तो अखिलेश यादव जी भौतिक तौर पे भले न पहुंचे हों, लेकिन उनका संदेश, उनका तरीका, और आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भी नेक्स्ट टू अखिलेश यादव जी है, ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र जी का अपना कद है, धर्मेंद्र जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, और उनके मित्र संग्राम जी और बलराम जी, मतलब एक पूरा टीम है। आजमगढ़ को मतलब आप समझिए कि सैफई से ज्यादा मजबूत है, आप ये समझिए। तो वहां पे ये कहना कि अखिलेश जी नहीं गए, अरे अखिलेश जी के पास और सारे काम हैं। अखिलेश जी अभी देखिए गुजरात की टीम फाइनल किए हैं, अखिलेश जी संगठन का विस्तार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं चूंकि मैं देख रहा हूँ, ये मेरा पक्ष नहीं है, लेकिन मैं गठबंधन का साझेदार हूँ, मैं देख रहा हूँ। वहां राजभर जी लगे हुए हैं, राजभर जी भी चर्चा होनी चाहिए, राजभरों का वोट है वहां पे, और ईमानदारी से वो सड़क पर उतर के काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्यादा काम है उनके पास। उत्तर प्रदेश के भाई मुख्यमंत्री अकेले थोड़े ना है, उनके लेफ्ट और राइट बताया तो हमारे लोगों ने, जो कहा तो आजम खान साहब ने कि हारे हुए लोगों को अपने अगल बगल से जाके बैठे हैं। देखिए, जनता से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, सुनिएगा, समझिएगा, थोड़ा व्यस्त हो सकता है। जनता ने जो जनादेश दिया, तो उस जनादेश का अगर आप सिर माथे करते हैं, तो फिर केशव मौर्य को कैसे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया? वो हारे हुए व्यक्ति हैं। तो लोकतंत्र में जरूरतों के हिसाब से समझौते होते हैं, सरकारें चलाई जाती हैं। आज जरूरत है कि भाई सरकार उनको मौका मिला है, वो काम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो उनको पूरे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के वो नेता हैं, कि जब वो रामपुर जीत जाएंगे, आजमगढ़ जीत जाएंगे, तब वहां काम करना शुरू करेंगे, है ना? और हम बहुत आश्वस्त हैं, आज प्रचार थम गया 5 बजे, हम आश्वस्त हैं कि दोनों सीटों पे हम पहले से ज्यादा वोट पाकर के जीतेंगे, क्योंकि इस बार जिस तरीके से आजम खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, उससे एक वर्ग विशेष में एक दर्द है। ठीक, ठीक। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, आप तो आजमगढ़ से ही हैं, कई बार आपने देखा भी होगा आजमगढ़ का जो नतीजा रहा है, और फिर रामपुर भी, इस बार दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटें समाजवादी पार्टी के पास दोनों थी। इस बार का ये जो
उपचुनाव है और जो फाइट है वो क्या लग रहा है, किसके खाते में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? नितिन जी, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं शुरुआत के अंदर साई भाई ने जो बोला था कि वास्तविकता है कि धर्मेंद्र यादव जी का पॉलिटिकल करियर खत्म करने की साजिश है, मैं भी पॉसिबल। अच्छा। क्योंकि शुरुआत जब हो रही थी तो अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने पहले डिंपल यादव जी को वहां का प्रत्याशी बनाने का प्रयास किया था, जब वो नहीं बने तो बलराम जी के पुत्र को बनाया गया था, किसी वजह से उनका टेक्निकल इशू आ गया, उनको हटा दिया गया। ये पूरी तरीके से प्लानिंग करके उनको फिर से मनाया गया, मनाने के बाद में धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सही बात है कि उनके पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने का प्रयास ही किया जा रहा है, क्योंकि ये वास्तविकता है। अखिलेश यादव एक डरे हुए राजनीतिक है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर क्षमता लेने की नहीं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकते। तो मीसम जैदी और अरविंद पटेल कह रहे हैं कि मैं इनके सवाल पे भी आऊंगा, मैं इनके सवाल पे आऊंगा, ऐसी बात नहीं। आपने आजमगढ़ की बात की, मेरा ताल्लुक भी वहां से, उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन वास्तविकता ये है। दूसरा, सत्यजीत ने जो बोला था बिल्कुल सही बात बोली है कि आपने गठबंधन किया 2022 के अंदर शिवपाल सिंह यादव जी से। शिवपाल सिंह यादव जी का जो संगठनिक क्षमता है वो मैं समझता हूँ, अगर कंपेयर किया जाए, दोनों को तुलना किया जाए, अखिलेश यादव जी से और शिवपाल जी से, तो शिवपाल सिंह यादव जी उनसे 20 पढ़ेंगे, अखिलेश यादव 19 पढ़ेंगे। क्योंकि राजनीतिक ककहरा अगर किसी ने सिखाया अखिलेश यादव को तो शिवपाल सिंह यादव जी हैं। नेताजी दिल्ली की राजनीति करते थे, प्रदेश की राजनीति शिवपाल जी करते थे, तो राजनीति के अंदर बढ़ाना और उनको सिखाने का काम शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है। अब यहाँ पे आते हैं आपके सवाल पे और हमारे मीसम भाई के और प्रवक्ता आरएलडी के रविंद्र सिंह जी से। रविंद्र सिंह जी ने एक बात बोली कि अखिलेश यादव बहुत ही परिपक्व नेता है और परिणामों के ऊपर ही तुलना की जाती है। परिणाम गौर कीजिए इस बात को, इन्होंने परिणाम की भी बात की और इन्होंने सैफई से भी मजबूत गढ़ आजमगढ़ को बताया। अब आता हूँ परिणाम पे, 2012 के बाद में सरकार बनी थी 2012, 2014 हारे अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री, 2017 हारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 2019 हारे, 2022 हारे, तो परिणाम क्या रहा? इन परिणामों को देख के तुलना की जाती है ना। अगर आजमगढ़ की हो रही है, आजमगढ़ पे भी आऊंगा मैं, आप चिंता मत करें, आजमगढ़ पे भी आऊंगा मैं। 10 विधायक तो जब आप खुद बोल रहे हो कि परिणामों से ही आंका जाएगा, तो परिणाम अगर देखे जाए चारों चुनाव के, तो उस परिणामों के अंदर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जो गठबंधन के हैं अखिलेश यादव, शून्य निकले हैं। ये था परिणाम, चार चुनाव निकल गए, चार चुनाव के अंदर उन्होंने क्या दिखाया? परिणामों से आंका जाता है कि नेतृत्व कितना परिपक्व है और कितना कमजोर है। इन चारों चुनावों के परिणाम ने यह तो दिखा दिया अखिलेश यादव की राजनीतिक दूरदर्शिता और परिपक्वता बिल्कुल कम है। अब आते हैं आजमगढ़ के ऊपर, जिन्होंने बोला आजमगढ़, आजमगढ़ सैफई से बहुत बड़ा मजबूत गढ़ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिसके पहले डिबेट हुई थी मैंने बात का उल्लेख भी किया था, लेकिन उस समय एक सपा के जो दूसरे प्रवक्ता थे उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन चलो अच्छा हुआ कम से कम सहयोगी दल के प्रवक्ता ने इस चीज को मान लिया। आजमगढ़ एक मजबूत गढ़ है, ठीक है, लेकिन आजमगढ़ क्या समाजवादी पार्टी की इज्जत ही बचाएगा? 2012 में भी तो 10 सीट जीती थी, 2014 के अंदर आपकी इज्जत बचाई उसने आजमगढ़ ने, 2017 में आपकी इज्जत बचाई आजमगढ़ ने, 2019 में आपकी इज्जत बचाई आजमगढ़ ने, 2022 में भी आपकी इज्जत बचाई आजमगढ़ ने। आजमगढ़ क्या आपकी इज्जत बचाने का ठेका ही लेके रखेगा? विकास की बात कर रहे थे मीसम भाई, मीसम भाई से ऑन चैनल पूछ रहा हूं मैं, पांच काम बता दे आजमगढ़ के लिए, पांच काम जो आजमगढ़ के विकास की बात करते हैं, ये पांच काम बता दे मुझे कि समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर इन्होंने करके दिखाया है। पांच काम बता दे मुझे, ये पहली बात तो आजमगढ़ के अंदर पांच काम बताएं, ज्यादा नहीं, सिर्फ पांच काम बता दे कि आजमगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास की गंगा बहा दी है, ये मुझे पांच काम बताएं। और सिर्फ 10 सीटें जीतने से आप अगर ये अंदाजा लगा लेना कि भैया हम लोकसभा में जीत जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी, इस गलतफहमी से दूर रहिए। 2014 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ था, 17 लाख के आसपास कुछ वोटर थे, उस समय शाह गुड्डू जमाली चुनाव लड़े थे और उनको 2,66,000 वोट मिला था। 2019 में गठबंधन हुआ बहुजन समाज पार्टी से, बीएसपी लड़ी नहीं, 3 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास के वोटों से अखिलेश यादव जी शायद जीते हैं। इस बार बीएसपी लड़ रही है, अगर 2,66,000 2014 के अंदर गुड्डू जमाली जी ने अगर लिया है, अगर वही चीज अगर फिर से दोहरा देंगे तो आपकी पार्टी जीती कितने थे, 2.5 लाख वोटों से, और वही इतिहास अगर बीएसपी दोहरा देगी तो फिर भैया आप कहां जीत रहे हो? विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, विश्वास होना चाहिए मिसम भाई, मैं आपको बधाई देता हूं, हो सकता है आप जीत जाएं, लेकिन जो आपका विश्वास है ना वो विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास अत्यधिक हो गया है। और कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास जो होता है ना वो अपने आप को गिरा देता है। ठीक है, ठीक, अगर ये चीज हो गई तो हारना निश्चित है। ठीक है, शाही साहब क्या कह रहे थे? देखिए, मैं कह रहा था कि अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे मीसम भाई से ज्यादा इन्होंने अपने गठबंधन धर्म को निभाया है। मीसम भाई तो प्रवक्ता है उसके, लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म को निभाते हुए कहा कि आजमगढ़ अब बहुत दूर नहीं रह गया, तो उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से बहुत दूर नहीं रह गया, ये हम भी अब कहना शुरू कर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि
इन्होंने लोकतंत्र की बात की जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी को कैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया गया जब वो चुनाव हार गए। लेकिन वो मैं कहना चाहूंगा भाई मेरे, वो एक विधान परिषद के सदस्य हैं और 2017 में जब सॉरी 2012 में जब आपकी सरकार सपा की बनी थी, आपके गठबंधन में आप थे, तो उस समय माननीय अखिलेश जी भी इसी दल के सदस्य नहीं थे। 2012 में हम गठबंधन में नहीं थे, चलिए नहीं थे, लेकिन उनके लिए आपने बोला है, आपने कहा ना कि 2012 में किसी दल के उसमें किसी उसके सदस्य नहीं थे, विधान परिषद से ही आए थे, कहीं चुनाव वो नहीं जीत कर आए। तो क्या जब हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है तो इस तरीके से कहना कि लोकतंत्र का अपमान है और केशव प्रसाद मौर्य जी कैसे बन गए, ये भाषण देना, सब जनता जानती है कि किसको कैसे कहां कौन है। अभी स्पष्ट रूप से एक दिन उमाशंकर सिंह जी ने कहा, जो बसपा के एकमात्र MLA हैं, कि मैं लोकतांत्रिक रूप से सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से और नेता प्रतिपक्ष से सीनियर हूं, पहले उद्बोधन में उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब कि वो कहीं से कोई चुनाव नहीं जीत के आए थे और वो बने थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी वो भी पिछली बार ऐसे ही थे। तो जब लोकतंत्र में और उत्तर प्रदेश में ये संवैधानिक व्यवस्था है ये, तो इस पर सवाल खड़ा करना मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र और संविधान का माखौल उड़ाना है। अब तीसरी बात पर मैं आता हूं, वहां पर जो काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता, पहले कुछ दिन पहले ये स्थिति थी कि मुंबई में अगर कहां कोई बता दे कि हमको मकान चाहिए, कहां के हो, आजमगढ़ के हो, तो मकान नहीं मिलता था। अब उस छवि से आजमगढ़ को बाहर निकालने का काम इस सरकार ने किया है और बहुत काम किया गया है आजमगढ़ के ऊपर, और अभी बहुत बाकी है, अभी चीजों में बहुत ज्यादा वो नहीं है। जनता ने हमेशा, अभी हमारे जो है सुभाष जी ने वोटों का वो किया है, 1,00,000 वोट पीछे हम लोग थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, 3,60,000 मैंने कहा है कि निरहुआ जी वोट पाए थे, गुड्डू जमाली जी वो लड़ रहे हैं 2,50,000 वोट वो पाए थे जब वो चुनाव लड़े थे। अपने आप का वोट का ये समीकरण बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि आज जो 2022 में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी आजमगढ़ से लेके गाजीपुर जौनपुर, जिससे समाजवादी पार्टी के सीने बहुत चौड़े हो गए थे, अचानक जो है गुब्बारे की हवा की तरह सब खुश हो गया, ठीक है, उस चीज को देखते हुए आज अति उत्साह, न तो एक चुनाव में आजम खान जी का भी विरोध है या क्या है मैं नहीं जानता हूँ, रामपुर भी नहीं गए, वहां भी नहीं गए, या तो ये सोच रहे हो मैं भाई हमारी पार्टी बहुत है, हमारे गढ़ है, गढ़ तो था करहल भी, लेकिन क्यों माननीय नेताजी को वहां बुलाया गया, क्योंकि आप चुनाव खुद हार रहे थे, करहल में नेताजी को बुलाया गया और यहाँ पर आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए। ये चीजें बताती हैं नितिन जी कि आज समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मान लीजिए शिवपाल जी का तो दिख रहा है। शाही साहब रविंद्र पटेल कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ रविंद्र पटेल जी, जी जी आ गए अपने मुद्दे पे सर, आप वोटों का ध्रुवीकरण फिर से बसपा, और आपने जो बात कही कि गुड्डू जमाली जी लड़ रहे हैं, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुस्लिम वोटों के बंटवारे की बात कर रहे हैं? आपका जो पसंदीदा मुद्दा है वोटों का ध्रुवीकरण, वो वही वही आप दर्शाना चाह रहे हैं। देखिए आजमगढ़ की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता हो, वो मन बना चुकी है। अब आज के आधुनिक तकनीकी वातावरण में सभी जो डिबेट हम आप कर रहे हैं, जो समझ हम आप रख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी समझ हमसे कुछ ज्यादा हो या कम भी हो, आम जनता आजमगढ़ के भी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। और जिस समय की आपने बात की कि आजमगढ़ के लोग बड़े दूसरी नजरों से देखे जाते थे, देखिए एक परिस्थिति क्रिएट हुई थी, एक घटना घटी थी और घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन घटनाओं से सीख ली जाती है, उन घटनाओं से सीख ली जाती है, सुनिए ना, उन घटनाओं से सीख ली जाती है। और गलती की जहां तक बात है, जो आप अभी मजाक कर रहे हैं, मजाक का विषय नहीं है, इस बात को समझना होगा कि आप अपने पसंदीदा मुद्दे पे आ गए, आप रामपुर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन आप आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनता समझ रही है आजमगढ़ की, ऐसा नहीं है। जो वोटों का ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो आजमगढ़ की जनता बखूबी समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए शायद 2 के आंकड़े पे आ गई बहुजन समाज पार्टी। रविंद्र भाई सुभाष जी कुछ कह रहे हैं। रविंद्र भाई जी आपसे मेरा छोटा सवाल है, इसके बाद पहली बात तो ये कि अश्विनी भाई ने ये नहीं बोला था कि मुस्लिम वोट उनके पास जाएगा, आपने लगता डिबेट को ध्यान बोल रहा हूँ, गुड्डू जमाली को दे रहे हैं, सुन तो लीजिए
सुनाइए। मैंने बोला था कि 2014 के अंदर जब गुड्डू जमाई लड़े थे तब उनको 266,000 वोट मिले थे और 2019 के अंदर वो लड़े नहीं क्योंकि गठबंधन था। जिस बहुजन समाज पार्टी को आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोल रहे हो उसी बहुजन समाज पार्टी से आपने 2019 में गठबंधन किया था, उसी के बदल अखिलेश यादव जाके लोकसभा के अंदर पहुंचे थे जिसको आप बार बार बी टीम बोल रहे हो। सुन गठबंधन की बात सुनिए, सवाल बोल रहा हूं गठबंधन में क्या होता है। मैं लोकसभा मिर्जापुर 2019 में प्रभारी जाने दीजिए, सुन तो लीजिए पहले बात को। तो ध्रुवीकरण उन्होंने नहीं किया, ध्रुवीकरण आपने किया क्योंकि आपको लगता है शायद डिबेट से ही लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही, इसलिए आप मुस्लिम वोटों की बात आपने शुरुआत से आपने खुद ही बोल दी, जबकि मुस्लिम वोटों की बात नहीं है। मुस्लिम वोटों की बात नहीं, ध्रुवीकरण करने का प्रयास देखिए विपक्षी लोग ही करते हैं क्योंकि इस डिबेट के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, आप डिबेट खत्म हो जाएगी उसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोटों की बात ही नहीं हुई थी, आप उसको घुमा के लेके आए। दूसरी बात आप तर्क दीजिए, आप पक्षकार बन रहे हैं, पक्षकार नहीं बन रहे हैं, मुझे बताइए आप रामपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्या वहां लोकतंत्र नहीं है? आपको लग रहा है कि रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही? आपको ऐसा लग रहा है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ वहां पे बसपा क्यों चुनाव लड़ रही है भाई, वहां पे हर पार्टी का इंटरनल मैटर है, पक्षकार क्यों बन रहे हैं? बसपा की बात नहीं आ रही, आपको क्या लगता है कि बसपा के पास वोट नहीं है? आपको क्या लगता है शाहगुड्डू जमारी लड़ेंगे तभी मुस्लिम वोट मिलेगा? शाहगुड्डू जमारी नहीं लड़ेंगे, बीएसपी का कोई और कैंडिडेट लड़ेगा तो उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा? देखिएगा सामने ये गलत है, ये चीजें मत आकी, ये कोई अपने आप मेहमान नहीं होता। सही बात बता रहा हूं, कोई सही बात नहीं बता रहे, आप गलत बात बता रहे हो क्योंकि लग रहा है आपको कि आपके गठबंधन दल की सीट जा रही है, आपका डर सता रहा है। आश्वस्त रहिए, मैं आश्वस्त हूं, मैं आश्वस्त हूं, समाजवादी पार्टी का मत बनिए, मैं किसी पार्टी का पक्षकार नहीं बन रहा हूं, आपकी चीज बता रहा हूं आपको, आपकी चीज बता रहा हूं मैं आपको, आपकी चीज बता रहा हूं आपको, जनता संघर्ष मोर्चा बनाया है, जनता की बात करिए, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ, आप अपने मुंह से बोलते हो सफाई मजबूत गढ़े तो क्या जरूरत है आपके गठबंधन के? हर पार्टी का होता है, बिल्कुल गढ़ होता है, 10 सीटें दे रहे हैं, 10 सीटें क्यों आजमगढ़ छोड़ के चले गए? क्यों भैया वहां से कोई विधायक नहीं लड़ सकते थे क्या? जब इतना ही कॉन्फिडेंस था उनको आजमगढ़ के ऊपर कि आजमगढ़ उनकी हर बार इज्जत बचाता है, तो आजमगढ़ में 10 सीटें थी, अरे 10 सीटें थी, क्यों भाग गए करहल आपके अध्यक्ष जी? डर के मारे भाग गए, आपको पता है इस चीज को, डर के मारे सोच के आपके ऊपर ध्रुवीकरण नहीं होता है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आपके गठबंधन के नेता को इतना ही घमंड था अपने ऊपर आजमगढ़ के ऊपर, तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें थी, कह रहे हैं, अरे जाना था ना, क्यों नहीं जाना था? ठीक है, सुरक्षा ठीक है, शाही साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है शाही साहब कुछ कह रहे हैं, आजमगढ़ से रामपुर की तरफ हमारे भाई ने याद दिलाया, मैं इनको याद दिला दूं कि हम 91, 98 और 2014 रामपुर से जीत चुके हैं, और आज एक आरोपी जिस तरीके से घूम घूम कर अपने आरोपों की बात कर रहा है कि मैं निर्दोष हूं, आज घूम रहे हैं, उनको ये जानकारी हो चुकी है कि लोधी साहब हमारे कितने किस तरीके के, क्योंकि वो लोधी साहब को भारतीय जनता पार्टी जो है आज वहां पर कोई हम ध्रुवकरण की अभी नहीं बात की है ना वहां कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता ने स्पष्ट रूप से पिछले बार भी जब जयाप्रदा जी लड़ी थी सपा से चुनाव और आजम खान जी ने विरोध किया था और सपा उनको जो है चुनाव वहां से जिता कर लाई थी, तो क्या आजम खान जी का उस समय सिक्का नहीं चल रहा था? आजम खान जी ने विरोध किया था पूरा पुरजोर विरोध के बाद जयाप्रदा चुनाव वहां से जीत कर आई सदन में, अमर सिंह जी थे, लेकिन आज भी वही स्थिति है, आज खुद वो नहीं लड़ रहे हैं, अपने किसी व्यक्ति दूसरे को लड़ाया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और रामपुर की मैं जहां तक बात बताता हूं, रामपुर में भी वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, वोट एकदम विकास की बात हो रही है, हमने कुछ बात नहीं की, हमने सुभाष जी ने जो बात कहा उसी को कट दिया था। आजम खान साहब, शाही साहब, आजम खान साहब तो आरोपी हैं और आपके गृह मंत्री तो सजायाफ्ता है, 3 साल जेल काट के आए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक लाइन पूरी कर लेता हूं, मैं पूरी, अब वो चुनाव में नहीं है वो आरोपी, आप जब ऐसी बात करेंगे जिस लोकतंत्र की परिभाषा समझा रहे हैं, सज्जी जी कुछ कह रहे हैं, बता रहा हूं, सज्जी जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, एक लाइन में मैं खत्म करता हूं, आ रहा हूं सज्जी जी, आ रहा हूं, अभी 2022 का चुनाव हुआ है ना नितिन जी, 470,000 भाजपा वोट पाई है, 552,000 वोट ठीक है प्लीज मैं आता हूँ आप लोगों के प्रवक्ता, जब आप लोग उनको पूछोगे नहीं तो भाई उनको मजबूरी कुछ तो करना पड़ेगा, अरे इतनी नाराजगी है, घर की बात घर में समझाइए, ठीक है मैं आता हूँ, ठीक सर मैं आता हूँ, सतजी जी मैं आपका मिसम जैदी हमारे साथ है, मिसम भाई सुभाष जी कह रहे हैं कि कोई 5 गांव आप लोग गिनाइए जो आपकी सरकार में आजमगढ़ में हुआ हो, और शाही साहब कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जीत जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन भाई 5 साल हो गए चुनाव खत्म हुए और दूसरा चरण रूपांतरों का 6 महीने लगभग गुजर गए हैं, साल भर होने वाले हैं। क्या आज भी हम यही से सवाल पूछा जाता है कि पांच काम गिनाइए? आखिर ये भी तो कभी अपने कामों को गिनाएं, अपने मैनिफेस्टो को गिनाएं, अपने ऊर्जावान होते हुए अपनी किसी ऊर्जा को, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपज हो, अपने कोई साजिश हो, अपने दिमाग से सोचा हुआ कोई कार्य हो, ये भी तो बताएं, या सब हम ही बताते रहेंगे? अरे हम नहीं, तो वो ये कह रहे थे कि आप लोगों की सरकार में आप लोगों ने क्या किया था आजमगढ़ के लिए। देखिए ऐसा है कि अगर आजमगढ़ का विकास देखना हो तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा बनाया हुआ है समाजवादी पार्टियों का, ये शाही साहब हंस रहे हैं आपकी इस बात पे, सत्यजीत जी भी हंस रहे हैं आपकी इस बात पे। अपनी समझ से बनाया हो तो सरकार ने इनकी बनाया, समाजवादियों ने रखा था पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, ये पता कर ले शाही जी। खैर वो हंस रहे इस बात पर कि जनता ना जानने पाए, ताकि हंस की बात को टाल दिया जाए। शाही जी और मिसम भाई, ये मेरा सवाल था, शाही जी का सवाल नहीं था ये। अच्छा, ये जाए और जाकर के जिनको शक है आदमगढ़ में क्या हुआ है, ये आदमगढ़ में घूमे और घूमने के बाद इन्हें अपने आप सच्चता पता लग जाएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बढ़िया काम किया हो तो वो हमें बता दे, हम जाके ढूंढ लेंगे। तो ये सच अपना बताए जनता के सामने खड़े होकर के, हम सच अपना बताएंगे खड़े होकर के जनता के सामने। और रही बात तो ये जनता को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, ये चाहते हैं कि आजमगढ़ में भी चुनाव जीत करके वहाँ जो सुकून से अमन पसंद हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, मुसलमान भाई रह रहे हैं, वहाँ भी दंगे शुरू हो जाएं, वहाँ भी ईंट पत्थर चलना शुरू हो जाए, तो ये वहाँ के लोगों की अमन शांति एक्चुअली छीनने का काम करने जा रहे हैं। इनसे कहिए कि भैया प्रदेश का नितिन जी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी किसी भी जाति की बात नहीं हुई है, धर्म की बात नहीं हुई है, और मीसम भाई और उनके सहयोगी आरएलडी ने जाति और धर्म की बात करके और आरोप लगाते हैं आप लोग जो है, ये लोग लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हैं शाही साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना किसी जाति की बात की है ना धर्म की बात की है, यहाँ पर की कोई धर्म और संप्रदाय की बात की है, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने संप्रदाय की बात की है और सांप्रदायिक पार्टी ये लोग हमको बताते हैं। अब यही पर दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। वाह भाई वाह, मीसम भाई सवाल मेरा था, मेरा सवाल था, अश्विनी भाई का सवाल नहीं था। मैंने सवाल ये आपसे पूछा क्योंकि आपने डिबेट की शुरुआत में ये बोला कि आजमगढ़ में आपकी सरकार ने बड़ा विकास किया, पहली बात। दूसरा आपने बोला कि आजमगढ़ का विकास अगर देखना है तो अश्विनी भाई चले जाएं। अरे भैया मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, वो क्यों जाएंगे, मैं आजमगढ़ से हूँ। और मेरा ही सवाल है कि 2012 से लेकर 2017 तक 5 साल की सरकार, 5 काम बताओ आप विकास के, 5 काम बता रहे हैं वो, 5 काम आजमगढ़ का बताइए आप। आप कहां बीजेपी के ताकतों के चक्कर में पड़े, बस यही बात है, आपके साथी भी यही बात बोलेंगे, सच नहीं, सच सुनने के बाद में जवाब नहीं है, जवाब नहीं है विषम भैया, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। बीजेपी के एजेंसी के पास सुभाष चंद्र यादव भी आजकल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, भक्तों वाला नहीं। आपने जो सवाल बोला कि अश्विनी भाई जाके देखें, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैंने पूछा कि 12 से 17 5 साल का कार्यकाल, 5 काम, सिर्फ 5 काम। यादव हैं आप, यादव हैं, नहीं मेरा सवाल आपसे इसलिए बनेगा क्योंकि यादव है तो कोई जरूरी है आपकी तरफ। कभी बोलते हैं मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, कभी बोलते हैं मैं यादव हूं, अरे डिसीजन ले लीजिए कि भाई मैं हूं क्या आखिर में। जनता के संघर्ष का ही मोर्चा वाला चश्मा लगाया है आजमगढ़ की जनता, परेशान हो गई आप लोगों की इज्जत बचा बचा के, कब तक इज्जत बचाएगी आजमगढ़ आपका? अरे फिर बचाएगी, 5 बार बचाएगी, यही 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 डिबेट के माध्यम से आजमगढ़ की जनता भी देख रही है कि हम इज्जत ही बचाएं, विकास सैफई में हो, आजमगढ़ में ना हो, आजमगढ़ खाली। ठीक है प्लीज, ठीक है मतलब ये हुआ ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन देखिए शायद आपका इस बार भ्रम टूटने वाला है, इस बार भ्रम टूटने वाला मिसम भैया। ठीक है ठीक, मान रहे हैं कि मजबूत, ठीक है मिसम भाई, ठीक है। सत्यजीत जी ये एक्सपीरियंस वाली जो बात आपने कही थी, कई लोगों ने उस पर साफ तौर पर कहा भी कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शिवपाल जी का जो एक्सपीरियंस है अगर उसे इस्तेमाल किया जाता तो शायद समाजवादी पार्टी को काफी प्रॉफिट मिलता है इस चुनाव में।
दूसरी चीज, कई चीजों को लेकर के आपने बीच में रोकने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, क्या बातें थी वो? आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं को, जिनको अनुभव था, जिनको तजुर्बा था, जिनको पता था चुनाव कैसे जीता जाता है, जिनको पता था कि रणनीति कैसे बनाई जाती है, उनको तवज्जो देना चाहिए था। और शायद उनको अगर तवज्जो देते तो आज ये सही है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो कहा था सदन में कि सरकार हमारी होती, उधर हम बैठे होते, इधर ये बैठे होते, ये अच्छा साबित होता। लेकिन देखिए दो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत काम करती है, सोची समझी रणनीति को जो है वो अप्लाई करती है, जहां भी जिस भी जगह पे उनको लड़ना होता है, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, जिम्मेदारी के साथ लड़ती है। इन्हीं बातों इन्हीं बातों पर रविंद्र सिंह पटेल कह रहे हैं कि आप भाजपा की बातें, भाजपा की जबान क्यों बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जुबान नहीं बोल रहा हूँ, दिक्कत रविंद्र भाई से ये है कि जो भी बोलेगा उसको भारतीय जनता पार्टी का ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? आज भी समाजवादी पार्टी के सिंबल विधायक है आदरणीय शिवपाल यादव, यादव जी कह रहे हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा, मतलब ये बोल रहे हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा। 2014 से हारना शुरू किए, 17, 19, 22 चार बार हो गया, तो ये कह रहे हैं अब हमसे ना हो पाएगा। देखिए क्षरण हो रहा है, क्षरण हो रहा है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का लगातार क्षरण हो रहा है, पराभव हो रहा है, गिरावट आ रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इनको चिंतन करने की जरूरत नहीं है? क्या इनको मंथन करने की जरूरत नहीं है? क्या इनको विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या इनको समझने की जरूरत नहीं रह गई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मैं बार बार ये कहूंगा कि देखिए लोक दल के भाई साहब से भी मैं कहूंगा कि अभी भी समय है, सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, कोई ऐसी रणनीति बनाए जिससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के मजबूती के साथ उनको टक्कर दे सके। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 26 के बाद बनाएगा सर, 26 तारीख के बाद। अब रणनीति नहीं बन पाएगी, बहुत देर हो चुकी है, काफी देर हो चुकी है, उपचुनाव में भी आप फेल हो रहे। वो तो कह रहे नतीजे आने के बाद बनाएंगे हम, ये तो हमेशा नतीजे आने के बाद बनाते हैं, लेकिन वैसे भी कभी जो है नतीजे के बाद कहीं ईवीएम का ओपन रखा ना टूट जाए। हां शाही साहब, इसके बाद कुछ है नहीं। हां शाही साहब, नतीजे के बाद ईवीएम का दोष न दिया जाए, अभी बहुत भारी है, ये भी एक मुद्दा बचा हुआ है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और उनकी जो वोटिंग है वो 23 तारीख को होगी, नतीजे 26 तारीख को आएंगे और उसके बाद काफ़ी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या 2024 का जो चुनाव है वो विधानसभा चुनावों के मुद्दों पर ही होगा या अभी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर होगा या फिर मुद्दे 24 के चुनाव को लेकर के कुछ और हैं, जनता के मूड में कुछ और है, तस्वीर कुछ और होगी, सारी चीजें जो हैं वो 26 के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।